बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में सूजी की बर्फी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए देखते हैं कि सूजी की टिक्कियां या बर्फी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। उसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो चीनी ली है, एक कप मैंने सूजी ली है, थोड़े से बादाम, इसके साथ हमने चार जो है वो लाचियां रखी है, आपने इसको जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर लेना है। छोटी सब्ज इलायची लेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक। इसमें आपने सिर्फ दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि सूजी एक कप, चीनी जो है वो आधा कप, और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हम घी लेंगे। चीनी और घी हम मिकदार में हम लोग लेंगे, हम वजन में आधा कप। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यूअर्स क्या करेंगे, इसके शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने एक पतीली में ये हाफ कप जो है चीनी ले लिया, और तकरीबन आधा कप हमने चीनी ली थी, और ये देखें मैं आधा कप ही इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रखकर हमने सिर्फ इसको एक दो बॉईल देने, जैसे ही इसमें चीनी अच्छे से मिक्स होगी हम उतार लेंगे। कोई तार कोई कुछ नहीं बनाना, जस्ट चीनी को जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया, जैसे ये पिघलेगी हम इसको उतार लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो चीनी है वो इसमें अच्छे से जो है मिक्स हो गई, हमारा जो सिरप था शुगर सिरप वो रेडी हो गया। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम जो सूजी है उसको सबसे पहले भूनेंगे। भूनने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, और ये देखें मैंने हाफ कप जो है वो घी का इस्तेमाल किया है। आपने भी घी का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आप घी ही लें। अब हम इस अब मैं इसके अंदर जो है वो इलायची डालूंगी, सब्जी इलायची मैंने इस तरह इसको खोल ली है, और दो अदर जो है मैं सब्जी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। अब हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि हमने सूजी को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर देना है, जैसे कि बर्फी का कलर होता है। और जैसे ही इसकी हमने लाइट गोल्डन कलर इसको देना है, और इसके साथ ही हमने क्या करेंगे, जैसे ही सूजी की स्मेल आएगी भून जाने के बाद हम इसको उतार लेंगे। मैंने आंच को मीडियम किया हुआ है, मीडियम आंच पर ही हम सूजी को भूनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसने हल्का हल्का जो है अपना कलर जो है बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन हम इसको मजीद एक से दो मिनट भूनेंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है ताकि इसको एक जैसा कलर आए। ये देखें व्यूअर्स, अब सूजी की जो है वो खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको विद इन अ सेकेंड जो है मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ पानी ऐड किया है, अब मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके साथ ही सारा पानी ऐड कर लूंगी, और जैसे इसका जो शीरा है खुश्क होगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है, और कलर आप देख रहे हैं कि वाइट वाइट ही है। ये देखें व्यूअर्स, ये पानी जो है वो अब अच्छे से खुश्क हो चुका है, जो इसका शीरा है। मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया और अब हम इसको उतारेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक प्लास्टिक की प्लेट ले लिया और इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया, घी लगा लिया, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप ऑयल ही कुछ भी इस पे अच्छे से लगाकर इस तरह से इसको सेट कर लें। अब हम अपनी सूजी जो है इस प्लेट के अंदर निकालेंगे। ये देखें, ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ये आपने गरम गरम जो है इसमें सेट कर लेनी है।
क्योंकि ये गरम गरम ही इसकी टिक्कियां हमने काटनी और इसको सेट करना। बहुत गरम है, आपने इसको एहतियात के साथ जो है सेट करना है। ये देखें, मैंने बिल्कुल एक इसको राउंड फॉर्म में सेट कर लिया। मैं ऊपर चम्मच के साथ इसको प्रेस कर दूंगी। अब हम इसको काटेंगे तिरछा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कट्स लगाने जरूरी हैं, अदरवाइज जब ये जम जाएगा तो फिर ये उतरेगा नहीं। इसी तरह मैंने बादामों को सेंटर से कट कर लिया है। अब एक एक बादाम जो है आप हाथ के साथ इसके अंदर फिक्स कर दें। ये अभी से ही जमने लग गए। इसी तरह मैं सारे बादामों को सेट कर लूंगी। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये जैसे ही हमने डाला है ये फौरन इसने जमना शुरू कर दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट अच्छे तरह ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसकी टिक्कियां जो हैं वो तोड़कर सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत और एग्जैक्ट बर्फी वाला जो है वो कलर आया है। अमूमन हम आमतौर पर घर में थोड़ा इसको गरम गरम जो है वो सर्व कर लेते हैं, लेकिन आप इसको बनाकर ठंडी भी पेश कर सकते हैं। यहां तक हमारी जो डिश है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।